बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप की अब तक हुई जांच से ये बात सामने आ रही है कि पूरे षड्यंत्र की जड़ में मुख्य वजह ब्लैकमेलिंग वसूली रही है। एसआईटी को अब सिर्फ ये साबित करना है कि इनमें पीड़ित और मुलजिम कौन है। इस साजिश की तह तक जाने पर सवाल उठे हैं। क्या स्वामी से मोटी रकम वसूले जाने के बाद लड़की को ठिकाने लगाने का षड्यंत्र भी रचा गया था, लेकिन थाने में स्वामी चिन्मयानंद द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर ने पूरे षड्यंत्र तहस नहस कर दिया है। बलात्कार मामले में बीजेपी नेता चिन्मयानंद से आखिरकार पुलिस ने पूछताछ की है। रात करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई। ये पूछताछ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने की है। लड़की से दुष्कर्म के आरोप लगाए जाने के करीब 15 दिन बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। अब तक दुष्कर्म के इस मामले में पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। हाल ही में लड़की ने ये भी आरोप लगाया था कि चिन्मयानंद ने ब्लैकमेल करके 1 साल से ज्यादा समय तक बलात्कार किया था। बता दें कि पहले चिन्मयानंद से पूछताछ नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई थी कि एसआईटी ने आरोपी चिन्मयानंद से तो पूछताछ नहीं की, लेकिन पीड़िता से करीब 15 घंटे तक पूछताछ कर ली। आपको बता दें कि गुरुवार को एसआईटी ने इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया और कहा है कि वह पूरी तरह से चिन्मयानंद से पूछताछ की पक्षधर है। एनडीटीवी के अनुसार एसआईटी सूत्रों ने कहा है कि ये कहना गलत है कि हमने चिन्मयानंद से पूछताछ नहीं की। 3 दिन पहले ही पूछताछ के लिए पेश होने को हमने समन जारी किया था, लेकिन हमें ऐसा बताया गया है कि कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हैं। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में उनसे पूछताछ कर पाएंगे। वही अब स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ बलात्कार और यौन शोषण का ताजा मामला तो है ही, एक पुराना मामला भी है। यूपी की डबल इंजन वाली योगी सरकार ने इसे वापस लेने का आदेश दिया था। इस मामले में पीड़िता ने राष्ट्रपति से गुहार भी लगाई थी। एबीपी न्यूज की वेबसाइट पर शाहजहांपुर डेडलाइन से एजेंसी की एक खबर के अनुसार यूपी सरकार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के खिलाफ चल रहे बलात्कार के मुकदमे को वापस लेने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने शाहजहांपुर जिला प्रशासन को एक आदेश भी भेजा था। दूसरी ओर बलात्कार पीड़िता ने राष्ट्रपति को एक पत्र भेजकर सरकार के इस कदम पर आपत्ति दर्ज कराई थी और चिन्मयानंद के खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की है। इस बीच राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था, सरकार ने पुराने मामले वापस लिए जाने की बात कही है, लेकिन वह वास्तव में वापस लिया जाएगा या नहीं इसका फैसला अदालत ही करेगी। अगर किसी को सरकार के कदम पर आपत्ति है तो वह इसे अदालत में चुनौती दे सकता है। आप समझ सकते हैं कि बलात्कार का मामला दर्ज होने के बाद कार्रवाई पूरी होने से पहले राज्य सरकार द्वारा मुकदमा वापस लेने और किसी को सरकार के कदम पर आपत्ति है तो वो उसे अदालत में चुनौती दे सकता है, इसका क्या मतलब है? खासकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के संदर्भ में हालात इस समय ऐसे हैं कि एम्स में अदालत लगाकर उन्नाव की बलात्कार पीड़िता का बयान दर्ज किया जाना आज की बड़ी खबरों में है, पर इसे अखबारों में वैसी प्राथमिकता नहीं मिली है जैसी मिलनी चाहिए थी। दूसरी ओर एक अन्य बीजेपी नेता पर बलात्कार के दूसरे मामले के अखबारों में गंभीरता नहीं दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें।